दोस्तों आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, चाइना और इंडिया के बीच में सेकेंड वॉर हो सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2025 से 30 के बीच में भारत और चाइना के बीच में वॉर होगा। क्यों होगा, इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है, ये रिपोर्ट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आखिर पूरी दुनिया में इस रिपोर्ट के चर्चे क्यों हो रहे हैं, चलिए जानते हैं ये कौन सी रिपोर्ट है, क्या सच में एक बार फिर से चाइना और भारत के बीच में वॉर होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं इंडिया अफेयर्स। वी इन इंडिया नो बेटर देन ऑलमोस्ट एनी अदर कंट्री because immediately after our independence, we experienced aggression. We experienced an effort to change our boundaries. And even today, parts of India are occupied by another country. But we did not see the world respond saying, oh, there's a great principle involved, and therefore let us all go with India. जयशंकर साहब ने छोटी सी क्लिप में क्लियर कहा कि आज भी भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिस पर हमारे पड़ोसी कंट्री ने कब्जा करके रखा है, जबकि वो भारत के पार्ट हैं। बेसिकली ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चाइना, जो कि चाइना के द्वारा कब्जा किया गया है। अक्साई चीन भारत का है, लेकिन चाइना ने अक्साई चीन पर कब्जा करके रखा है। इधर पाकिस्तान ने भी हमारे हिस्से पर कब्जा करके रखा है। देखिए, वॉर भारत भी नहीं चाहता, क्योंकि वॉर से किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। दोनों साइड के सैकड़ों मासूम सैनिक लोग मारे जाएंगे। सरकार तो सिर्फ डिसीजन लेगी, अगर वो वॉर में मरते हैं तो अमर हो जाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन जाने तो जाएगी ना। इसीलिए वॉर किसी भी तरह से अच्छा नहीं है फिलहाल के लिए। इसे बातचीत से भी सही किया जा सकता है अगर हमारा रिलेशन बिल्ड हो। और अभी हम वर्ल्ड की पावरफुल कंट्री नहीं बने हैं, हमें ग्रो करना है, कोई माने या ना माने, लेकिन रियलिटी तो यही है ना कि चाइना अभी दुनिया का सेकंड पावरफुल कंट्री है। अमेरिका के बाद चाइना हर चीज में आगे है। और अगर भारत और चाइना में वॉर होता है तो पाकिस्तान चाइना की मदद करने के लिए पाकिस्तान भी वॉर कर देगा, तो हम पर दोनों साइड से हमला होगा। रसिया हमारा हेल्प करेगा नहीं, रसिया न्यूट्रल रहेगा, जैसे कि हम रसिया यूक्रेन वॉर में न्यूट्रल हैं। हमारी मदद कर सकता है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका भी चाइना का काउंटर करना चाहता है। अब आप बोलोगे अमेरिका चाइना की काउंटर करना चाहता है तो अमेरिका हमारे जमीन को छुड़वाने में क्यों मदद करेगा, या फिर हमारा जो बॉर्डर इशू है उस इशू में अमेरिका क्यों इन्वॉल्व होगा। तो गाइस, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, मैं आपको बता रहा हूँ। अपने स्क्रीन पर आप ये मैप देखिए, ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि भारत का पार्ट है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। और पाकिस्तान और चाइना मिलकर के यहाँ पर एक पाइपलाइन बिछाने का काम करने वाले हैं, और भारत ये नहीं चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा पार्ट है। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है वो भारत के पीओके से गुजरने वाला है, क्योंकि वो भारत का पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। तो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया कि आप यहाँ पर से पाइप पार करो, रोड पार करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे देश में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो। तो चाइना यहाँ पर क्या करना चाहता है, अभी चाइना को जो ऑयल लेना पड़ता है वो गल्फ रीजन से निकलता है, भारत से होते हुए घूमते हुए चाइना जाता है समुद्र के मार्ग से। लेकिन चाइना यहाँ पर दिमाग लगा रहा है कि अगर हम पाकिस्तान से पाइपलाइन बिछाएं, गल्फ रीजन से ऑयल निकलेगा पाइपलाइन के माध्यम से पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान से होते हुए भारत में इंटर करेगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है, और वहां से होते हुए पाकिस्तान के अंदर जाएगा। तो यहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम है, और इसी रीजन से चाइना और भारत के बीच में अगर वॉर होता है तो अमेरिका मदद करेगा, क्योंकि चाइना अगर ये पाइपलाइन बनाने में कामयाब हो गया तो फिर चाइना एनर्जी के मामले में हर देश से आगे निकल जाएगा, समुद्र से उसे कोई मतलब ही नहीं होगा, जितना मन चाहे उतना पाइप के जरिए क्रूड ऑयल को अपने देश में मंगवा सकता है। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, भारत चाहता है कि आप हमारे देश से दूर रहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के हिस्सों पर कब्जा किया है उसको हम अपना मानते हैं, और चीन ने जो अक्साई चीन पर कब्जा किया है उसे भी हम अपना मानते हैं, बाकी आपके जगह से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारा है वो हमारा है, अब इसके लिए वॉर हो चाहे जो हो। हाँ, एक रियलिटी ये भी है कि अभी हम वॉर नहीं करना चाहते हैं, अभी सबसे पहले हम अपने मेक इन इंडिया को, जो हम दूसरे देशों पर डिपेंड है, उससे अनडिपेंड होना चाहते हैं, हर चीज के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक हम पावरफुल नहीं बनेंगे। भारत को अभी हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा, पावरफुल बनना पड़ेगा, उसके बाद अगर वॉर होता है तो उस टाइम हम चाइना को संभाल लेंगे। और इन सारे रिपोर्ट में इसी चीज के बारे में खुल करके बताया गया है कि चाइना की कमजोरी कहाँ पर है। चाइना को अगर हराना है तो भारत का जो लद्दाख वाला पार्ट है जिस पर चाइना कब्जा करना चाहता है उसे सुरक्षित रखना होगा। तो यही सब मेन रीजन है कि 2025 से 30 के बीच में भारत और चाइना के बीच में एक बड़ी वॉर हो सकती है। बेसिकली यहाँ पर मैंने तीन रीजन बताया, एक अक्साई चाइना जिस पर चाइना ने कब्जा किया है उसको वो और विस्तार करना चाहता है और लद्दाख वाले रीजन पर कब्जा करना चाहता है। दूसरा रीजन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको पाकिस्तान ने कब्जा किया है, चाइना वहाँ पर सड़क बना रहा है और उस सड़क के माध्यम से पाकिस्तान और चीन को कनेक्ट करना चाहता है। उसके बाद जब ये रोड कनेक्ट हो जाएगा तो गल्फ रीजन से जो भी एनर्जी होगा वो डायरेक्ट पाकिस्तान होते हुए चाइना चला जाएगा। दूसरा, ईरान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए, पीओके से होते हुए चाइना पाइपलाइन पास करना चाहता है। तो ये तीन मुख्य रीजन है जो चाइना प्लानिंग कर रहा है और भारत ऐसा होने नहीं देगा। और दुनिया में इस चीज को लेकर के वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट पब्लिश हो रहे हैं। इस चीज को लेकर के यूएस में भी रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, यूके में भी रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री, इंडिया, सबको पता है कि चाइना इसे 10 साल में कंप्लीट कर लेगा। और अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर चाइना को दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा।
पाएगा। चाइना अभी पूरा पावरफुल कंट्री बना भी नहीं है, उसके बाद उसने भारत के कई हिस्सों पर कब्जा करके रखा है। अगर वो पूरा पावरफुल बन जाएगा तो वो चारों जगह अपना विस्तार करेगा, फिर वो हमारे अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से पर भी कब्जा करेगा। और इस तरह से चाइना अपना विस्तार करने की सोच रहा है, और इसलिए हमें चाइना का काउंटर करना बहुत जरूरी है। इसलिए पिछले 10 सालों में देखा होगा आपने कि प्राइम मिनिस्टर जहां भी जा रहे हैं वहां डिफेंस डील हो रही है, हम अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं। चाइना का जो सबसे बड़ा डर है, चाइना का सबसे बड़ा कमजोरी और सबसे बड़ा ताकत, वो है चाइना का कछगार रीजन। क्योंकि चाइना की जो एनर्जी की डिमांड है वो इसी रीजन से पूरी होती है। चाइना का जितना भी एनर्जी डिमांड है वो यहीं पर स्टोरेज है। और उसको डर है कि भारत अक्साई चीन और पीओके इन दोनों को अपना पार्ट मानता है, और भारत कभी भी इसे लेने के लिए हमला कर सकता है। और अगर भारत यहां पर हमला करेगा, भारत यूएस के साथ मिलकर के हमारे कछगार वाले रीजन पर हमला करने की कोशिश करेगा। और चाइना ये बात भी जानता है कि भारत अभी डेवलपिंग स्टेज में है, डेवलप नहीं किया है, अभी हमारे पास अच्छा मौका है, भारत अभी तैयार नहीं है। अगर हम अभी भारत पे हमला करके भारत से लद्दाख वाला एरिया ले लेते हैं या फिर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाता है तो फिर फ्यूचर में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और यदि भारत डेवलप कंट्री बन गया तो फिर जम्मू कश्मीर तो वो भूल ही जाएंगे। इसके बाद चाइना को ये भी डर है कि भारत अगर डेवलप कंट्री बन गया तो जाहिर सी बात है कि भारत अपने उन जगहों को वापस करने की सोचेगा जिन पर हमने कब्जा किया है, जैसे कि पोक और अक्साई चाइना। और इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है कि चाइना और भारत के बीच में 2025 से 2030 के बीच में सेकेंड वॉर हो सकता है। वैसे गाइस आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत तैयार है चाइना से सेकेंड वॉर के लिए, या हमें चाइना को उलझाना चाहिए रशिया के मदद से, ब्रिक्स मेंबर के थ्रू, या और भी अदर बातचीत के जरिए? आप क्या सोचते हैं गाइस इस चीज के बारे में? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।